On a day when Mr. Narendra Modi, Gujarat Chief Minister, has flagged off his Sadbhavna mission, I'm joined by Mr. Narendra Modi. Mr. Modi, it's been a high-profile event. The objective behind this event, the timing of it is what everybody is asking. Why now? वैसे सद्भावना के काम तो लगातार चलते रहते हैं और गुजरात सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिसमें अब सद्भावना के काम को प्रमोशन का सहज रूप से महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे यहां समरस गांव की योजना है, तीर्थ ग्राम की योजना है, पावन ग्राम की योजना है, ये सारे प्रकल्प और भी बहुत हैं, वो सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने वाले प्रयोग हैं और बहुत सफल है, तो एक प्रकार से उसको तो हम कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि गुजरात की चर्चा डेवलपमेंट को लेकर के हो रही है, गुड गवर्नेंस को लेकर के हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में एक प्रमुख समस्या है कि हम डेवलपमेंट को टुकड़ों में सोचते हैं, टुकड़ों में करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के तहत करते हैं, अपीजमेंट से करते हैं। क्या देश को एक ऐसे मॉडल को हम दे सकते हैं जिसमें अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल, सबका साथ सबका विकास, पीपल्स पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट एज अ मास मूवमेंट, क्या इन चीजों को लाया जा सकता है? क्या एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि गुजरात ने किया है। अब समय की मांग है कि हमें देश के सामने ये भी लोगों को समझाना होगा कि हम सबको साथ लेकर के सबके विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और गुजरात एक्सपीरियंस इज ए मॉडल। अगर ये करना है तो मुझे उसको एक विशिष्ट ढंग से दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, लोगों को गुजरात को बदनाम करने के ढेर सारे मौके ढूंढते रहते थे, अब इसको स्टॉप लगा है, तो आवश्यक है लोगों को सही दिशा में ले जाना और ये सही अवसर है। और इससे बाद आगे मैं इस विषय को गांव-गांव तक ले जाने वाला हूं। उसके तरीके क्या होंगे वो सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम है और उसको आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी, आपने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वॉटरशेड एज फार एज नरेंद्र मोदी इज कंसर्न, बिकॉज देर वॉज अ परसेप्शन ऑफ नरेंद्र मोदी द पोलिटिकल परसोना विच नेवर अलाउड यू टू कम आउट ऑफ द 2002 शैडो। इज दैट समथिंग दैट वेज वेरी हेवीली ऑन योर माइंड, एंड इज द सद्भावना मिशन ऑल्सो योर मैसेज टू पीपल दैट दैट्स द पास्ट? नहीं, मैंने, मेरे लिए वो इश्यू नहीं है, कभी भी इश्यू नहीं है और न ही कोई मुझे बोझ रखने का कारण था, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जाना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए और हमने 2002 से ही आगे का ही सोचा है, आगे का ही किया है और उसी का तो कारण है। इसी सालों में 2002 के बाद ही गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट आया, गुजरात में इतना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, गुजरात में इतना लोगों को रोजगार मिले, तो कोई 2002 के कारण गुजरात ठहर गया या गुजरात का विकास अटक गया था, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे देश में कोई किसी चीज का अध्ययन नहीं करता है, कहीं पर भी किसी पुलिस थाने में इस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक भी एफआईआर रह गया, कुछ नहीं है। ये हाइप क्रिएट हुई, उसकी चर्चा चलती चली जा रही है और इसलिए ऐसा कोई वॉटरशेड जैसे इश्यू है ही नहीं।
पर मोदी जी, अ लॉट ऑफ पीपल सी द सद्भावना मिशन, द फैक्ट दैट यू आर कॉलिंग इट सद्भावना, कम्युनल हार्मनी, अगर ये सब था ही पहले से ही गुजरात में, तो अब कहने की क्या जरूरत है? और क्या ये एक अटेम्प्ट है नरेंद्र मोदी के लिए फॉर एन इमेज मेक ओवर, बिकॉज नरेंद्र मोदी नाउ वॉन्ट्स टू गिव सम मैसेज टू हिज डिट्रैक्टर्स? पहली बात है कि अगर मुझे इमेज की चिंता होती तो वो काम मैं 2002-2003 में ही कर देता, और इमेज मेकओवर के लिए दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। सुबह शाम मीडिया के मित्रों से मिलता, बहुत सारे इंटरव्यू देता, आए दिन बाइट देता था, कोई बहुत तरीके थे, लेकिन ऐसे किसी रास्ते को मैंने चुना नहीं। मैंने कठोर परिश्रम किया है गुजरात के विकास के लिए, और मोदी को अपनी इमेज के लिए न पैदा हुआ है, न मोदी अपनी इमेज की चिंता करता है। मैं इस देश की सेवा करने के लिए कमिटेड हूं। बहुत छोटी आयु में घर छोड़ा है भारत माँ की सेवा के लिए, इमेज बनाने के लिए नहीं छोड़ा है, और मुझसे जो ईश्वर ने शक्ति दी है, समझ दी है, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, गुजरात की सेवा कर रहा हूं, आम आदमी का भला हो। और जब ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है तो उसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलना चाहिए, इसलिए इमेज के लिए कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? बहुत सारे रास्ते हैं इमेज के लिए। तो मिस्टर मोदी, द अदर क्वेश्चन इज द कांग्रेस पार्टी, आपने फास्ट अनाउंस किया, कांग्रेस पार्टी के शंकर सिंह वाघेला जी ने भी फास्ट अनाउंस किया, आप ये कम्पेटिटिव फास्ट मानते हैं? कांग्रेस कुछ आपको मैसेज दे रही है इस फास्ट के जरिए? इस विषय में मैंने तय किया है एक भी शब्द नहीं बोलना। मैंने तय किया है कि मुझे गुजरात की भलाई के लिए अगर 12 घंटे काम करता हूं कम पड़ते हैं तो 14 घंटे करूंगा, 14 घंटे काम करता हूं कम पड़ते हैं तो 16 घंटे करता हूं। मेरा एक ही व्रत है, एक ही संकल्प है, अच्छा काम, सबके लिए अच्छा काम, गुजरात के विकास के लिए काम, उसी को करते रहना। मोदी जी, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द कांग्रेस, बट वी नो दैट यू हैव बीन ऑन द वॉर पाथ इवन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू हैव रिटन अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त, यू हैव नेवर मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑन दैट इशू ऑन कैमरा। Are you really upset with the central government? What is your future course of action? Because there seems to be no response coming from the center on this score. जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, हिंदुस्तान की सभी सरकारें परेशान हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, यूपीए की हो, बीजेपी की हो या एनडीए की हो। जिस प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर पर उन्होंने हमला बोला है, देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाए, उस हद तक भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर घात हो रहे हैं, और उसके प्रति नाराजगी सभी राज्यों की है, सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी की नहीं। अभी लेटेस्ट जो एक मीटिंग हुई उसमें भी यही आवाज उठी कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान कर रहे हो, और भारत सरकार को समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान जैसे राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर को जितना हम सुरक्षित रखेंगे, जिसका स्ट्रेंथन करेंगे, उतना देश को लाभ होगा। तो ये कोई शिकायत गिले शिकवे का मुद्दा नहीं है, देश हित के बेसिक पॉइंट है जिसको मैंने उठाया है। मिस्टर मोदी, टुडे एट द सद्भावना दिवस वी ऑल्सो सॉ अ पॉलिटिकल पॉइंट बीइंग मेड। There were a lot of allies of the BJP which came. We saw even potential allies like the AIADMK being represented here. Is this again another message that Narendra Modi is saying that he is acceptable to all? मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन सद्भावना एक ऐसा विषय है कि जिसमें सबने जुड़ना चाहिए। ये एक पॉजिटिव काम है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं, सबने जुड़ना चाहिए। अब इसमें न जुड़ने का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार जी, जो जेडीयू है सबसे बड़ा एलाई है, उनका ना आना, उसका कोई खास आपका रिस्पांस टू दैट? दरअसल मैं कहता हूँ, कोई विशेष प्रयास हमने किया नहीं है, इसको बुलाओ, यहाँ करो, वहां करो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। रूटीन में जिन लोगों को ध्यान आया
वही हुआ है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, इनविटेशन भेजा, कोई सूचनाएं गई, कोई मीटिंग में तय हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो स्टेट का कार्यक्रम है। मिस्टर मोदी, यस्टरडे यू रिलीज्ड अ लेटर विच वॉज एड्रेस टू पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड इन दैट लेटर द वर्ड्स दैट यू यूज्ड आर बींग इंटरप्रेटेड इन वेरियस काइंड्स. One specific phrase that you used was that I'm grateful to those who have pointed out my genuine mistakes in the last 10 years. Many people have interpreted that as some sort of an admission that there was a mistake in 2002. पहली बात ये है, मैंने ये कहा है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, और कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा राज्य ने 100% उत्तम है, बेस्ट है, ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, एलिगेशन हो रहा। और मैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनको हमेशा तारीफ करता हूं, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारी कमियां ध्यान में आती हैं, सुधार करने का अवसर मिलता है। और बहुत से विषय होते हैं कि जैसे बारिश के समय करने के काम, एक आध काम छूट जाता है, लगता है यार ये रह गया, और कभी किसी मीडिया के माध्यम से या किसी डेलीगेशन के माध्यम से पता चलता है, भाई देखिए ये आप लोग कैसी गलती कर रहे हो, ध्यान में आता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं कि जिसके विषय में कई लोग बताते हैं, और मैं इनको उनका स्वागत करता हूं। तो एक प्रकार से मेरा इस लिखने का इरादा ये है कि भविष्य में भी मैं क्रिटिसिज्म को वेलकम करता रहूंगा, कुछ कमियां हमारी हो, गलतियां हो, तो लोगों को बताते रहे, एक प्रकार से मैंने इंस्टिगेट किया है। सो यू आर सेइंग डोंट मेक एलिगेशंस, ओनली क्रिटिसाइज। देखिए, कभी भी लोकतंत्र में एलिगेशन से फायदा नहीं होता है, लेकिन मैं किसी को नहीं कहता हूं ये करो या ना करो, उनकी मर्जी। लोकतंत्र के लिए मुझे अनुभव आया है कि क्रिटिसिज्म से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। Mr. Modi, my last question to you, it's also your birthday. On a day, most people make plans for their future. Your plans for the future, you'll always say the 6 crore people of Gujarat, that is a given. There are assembly elections in the state next year. But beyond that, what's your vision of your role in national politics? पहली बात है कि जो लोग जन्मदिन मनाते हैं, वे जन्मदिन के दिन अपने future plan भी करते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जन्मदिन मनाता भी नहीं और न ही कोई फ्यूचर प्लान करता हूं। मैं आज जहां हूं वहां भी कोई अपने प्लानिंग से नहीं आया हूं, और इसलिए मैं इसमें कभी समय खराब नहीं करता हूं। मेरे अगर जीवन की ओर देखा जाए तो मेरा नेचर यह है कि जब जो काम मुझे मिलता है उसको मैं जी जान से करता हूं, इतना बिल्कुल टोटली इन्वॉल्व हो जाता हूं। अब जैसे मैं कई वर्षों तक दिल्ली में रहा, लेकिन इन दिनों मैं दिल्ली की ओर जाता भी नहीं, कभी देखता भी नहीं हूं। एक आध मीटिंग में जाता हूं तो एयरपोर्ट से उतरा, मीटिंग में गए, वापस चला आता हूं। और प्रधानमंत्री की मीटिंग्स भी आपने कुछ अटेंड नहीं की रिसेंटली? मैं इतने लंबे समय में एक ही मीटिंग है जिसमें मैं गया नहीं हूं, और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी एब्सेंस का इतना बड़ा महत्व होता है, पहली बार पता चला मुझे।